हेलो, वेलकम गाइस। तो लास्ट लेक्चर में हमने अरे लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कैसे सर्वोच्च जो है वो हम लोग बनाएंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके थ्रू हम लोग मैंने कैसा जो अपना फर्स्ट जो है सर्वर पे हमारा कैसे एक्सेस कर पाएंगे, तो हम लोगों ने देखा था और सक्सेसफुली हो भी गया था। अब आप लोगों ने ट्राई किया होगा घर में, तो आज हम लोग सीखेंगे ये और इन रियल एग्जांपल क्या होता है। बहुत सारे सर्वर लगते हैं या फिर बहुत सारे मशीन्स लगते हैं क्योंकि तो अपना जो एप्लीकेशन है वो रन होने के लिए, तो एक सर्वर पे अगर इतना लोड डालेंगे तो ऑब्वियसली वो क्रैश हो जाएगा या तो फिर पूरी तरह से करप्ट हो सकता है। सो ये जो इश्यू है कब ऑकर होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके जो एप्लीकेशन है उसके ऊपर कभी कभी क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक ट्रैफिक जो होता है, ट्रैफिक मतलब कि बहुत सारे लोग एक ही बार में लॉगिन करते हैं, एक ही बार में डेटा पुल करना हो या बहुत सारे चीज़ों से कंटेंट टेंशन होते हैं जो जो कि अफेक्ट करते हैं यो इसके लिए, जिससे सिस्टम क्रैश होने के चांसेस होते हैं। तो ये हमको अगर ओवरकम करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीपल सर्वर्स जो है हम लोग लॉन्च करेंगे जिसके कारण आपका सर्वर एक सर्वर पर लोड आए जो है डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो अगर हम लोगों ने यह मल्टीपल ठीक है 5-10 तक हम सर्वर मैनुअली बना सकते हैं, ओके मैनुअली उसको ये कर सकते हैं, बट उसके ज़्यादा अगर डेटा यूज हो रहा है या उससे ज़्यादा सर्वर लगेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ENB सर्विस जो है, ENB क्या होता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर। वो क्या करता है, इलास्टिक लोड बैलेंसर जितनी भी आपके सर्वर है जब जब तो उसको लगे कि लोड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो जो सर्वर पे जो है बर्डन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है लोड बैलेंसर। तो इसके वजह से आपको जो है सर्वर जो है क्रैश होने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। तो आज वही सीखेंगे कैसे है ENB बनाना है इलास्टिक लोड बैलेंसर। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल के तौर पर दो सर्वर क्रिएट किए हैं। ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में एक वीडियो क्रिएट किया था सर्वर वन वाला, तो अभी हमने नया क्रिएट किया सर्वर टू। ठीक है, तो अब हम लोग सर्वर टू पे एक्सेस करके उसके ऊपर जो सर्वर इंफॉर्म करेंगे सेम प्रोसीजर लास्ट टाइम देख लिया था। तो अभी आपको ऑलरेडी हमारा एक सर्वर लॉन्च है जो कि सर्वर वन है, तो अभी हमको नेक्स्ट सर्वर हमको लॉन्च करना है सेकेंड सर्वर। तो कैसे करेंगे तो देखिए गाइस, तो जो राइट जो वाइट जो ये दिख रहा है बाहर जो दिख रहा है वहाँ पे सिंपली राइट क्लिक कीजिए, ओके यहाँ पे आपको न्यू सेशन का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे आप नया सेशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर से एक बार बताता हूँ, जो वाइट जो बार या फिर आपको जो स्लाइड दिख रही है सिंपली उसके ऊपर राइट क्लिक, माउस का न्यू सेशन, दैट्स इट। फिर जाएंगे न्यू सर्वर पे, उसका IP होगा ना, ओके सिंपली इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे करेंगे पेस्ट। सेम हमको करेगा करना पड़ेगा प्राइवेट की ऐड, इसके लिए कनेक्शंस पे जाएंगे SSH, ये प्लस पे क्लिक करेंगे, फिर और पे क्रेडेंशियल मैनेजर। तो इस बार मैंने वो सेम प्राइवेट की मैंने दोनों के लिए रखी है क्योंकि ज़्यादा भी प्राइवेट की कुछ ज़रूरत नहीं होती है, एक प्राइवेट की भी आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। सेम क्लिक कीजिए, ओपन क्लिक कीजिए, एक्सेप्ट, यूज़र नेम आपको पता ही होगा, लिनक्स इंस्टेंस है तो ECT यूज़र, ऑथेंटिकेट होगा, ओके विन ऑप्टीन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने दो सर्वर कर लिए। तो अभी हमको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा 172 जो है वो सर्वर टू के लिए और 153 जो है सर्वर वन के लिए, वो हम वो भी याद रखना। ठीक है, तो सेम कमेंट यहाँ हमने लास्ट का रन किया था, फर्स्ट जो है वो MI करना है तो कर सकते हो, कौन सा नहीं करना तो इस मैंडेटरी नहीं है, जिस आप चेक कर रहे हैं कि कौन सा
लॉगिन है तो ऑफ करेक्ट रीसेटिंग यूजर लॉगिन है। कोई वर्क डायरेक्टरी, करंट वर्क डायरेक्टरी जो है हमारी जो है स्लैश होम पे है वो, और रीसेट यूजर में है। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स है चेक करना है, तो उसके लिए कमांड है नो एलएस करिए एलएस हाइफन वन टू ये ओके टोटल ये एलएस हाइफन ये। ठीक है, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स फाइल्स कुछ नहीं है अभी के लिए। तो अब हमको क्या करना है, फर्स्ट हमको इंस्टॉल करना है HTTP सर्वर। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट सर्वर रूट लॉगिन करना पड़ेगा। रूट लॉगिन करने के लिए सुनो SU कमांड जो है रूट रूट के लिए जाने के लिए हो, जैसे कि आप में देख सकते हैं चेंजेस यहाँ पर डिस्क नहीं हो रहा है, रूट से स्टार्ट हो रहा है और IP एड्रेस रूट जो होता है विंडोज़ में एडमिन जो होता है एडमिनिस्ट्रेटर, तो लिनक्स में होता है रूट। और जो ये अपना नॉर्मल लॉगिन था तो नॉर्मल लॉगिन से हम लोग गए हैं रूट यूज़र पे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ से हम लोग कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हमको करना है HTTP सर्वर सुडो, तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सभी जितने भी लिनक्स के पैकेज हैं वो अपडेट करने होंगे। इसके लिए कमांड है हेल्पर सुनो सॉरी सुडो एम अपडेट एम हाइफन वाई एम हो रहा है अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम देगा। जैसे ही हो जाएगा हम लोग रियलिस्टिक लोड बैलेंसर को जो है उसका भी हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। और कैसे है हमको ये दो सर्वर जो हमने हमने बनाए हैं तो उसके अंदर कैसे है करना है इलास्टिक लोड बैलेंसर के अंदर, वो भी हमको जानना है। तो देखेंगे वो भी, तो जिसके हम लोग कुछ एरर्स भी बनाएंगे जिसके कारण आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे गलतियाँ करने के बाद क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो कुछ गलतियाँ भी करेंगे और गलतियों से सीखेंगे भी, जैसे कि मैंने सीखा जब मैं सीख रहा था तो तभी मैंने बहुत सारी गलती की, और गलती के कारण मुझे अभी उसका मतलब थोड़ा सा फ़ायदा होता ही है ऑब्वियसली। तो अब भी गलतियाँ हो रही हैं तो उसका फ्रस्ट्रेट होने से अच्छा है आप उसको पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और आप फिर से आप उसका डीबग करना जो मतलब एरर क्या आ रहा है खुद से अकॉर्डिंग आप उसका सोल्यूशन में निकाल सकते हैं। आपको लॉन्च नहीं हो रहा है आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे फिर आदमी जाने दो, तो ये नहीं करना है। एरर आएगा आएगा तो ही आप सीख पाओगे, विदाउट एरर सीख रहे हो मतलब कुछ उसमें कुछ ही है, जब रियल वर्ल्ड में जाओगे एरर ही एरर रहेंगे, इतना इजी नहीं होता है रियल वर्ल्ड और प्रैक्टिकल वर्ल्ड। तो इसलिए एरर आने जितने आते हैं सीखने के टाइम पे उतना अच्छा ही है। ठीक है, और मैं लिनक्स की सीरीज भी अभी स्टार्ट करूँगा तो बेस वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। लिनक्स के कमांड्स भी होते हैं जो कि यूज होते हैं डे बाय डे, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। फिर बाद में आपको अगर ज़्यादा कुछ खोना है तो हमको प्रोटोकॉल से आप मतलब प्रोटोकॉल जो होते हैं वो भी आपको सीखना पड़ेगा, कौन सा प्रोटोकॉल जो होता है IP प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होते हैं कौन से प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था वेब एप्लीकेशन करने के लिए हमको कौन सा लगता है HTTP एंड HTTPS, तो HTTP का पोर्ट नंबर क्या होता है और HTTPS का प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। SSH यूज़ कर रहे हो तो SSH के लिए कौन सा पोर्ट नंबर यूज़ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो मोस्ट मतलब फ्रिक्वेंटली यूज जो होता है वो तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा करें सर्वर आपको होता है तो उसके लिए होता है RDP, तो RDP का पोर्ट नंबर क्या है आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा जिसकी दो
मॉस्ट यूज होते हैं, तो प्रोटोकॉल कौन से हैं, उसका आईपी एड्रेस कौन से, सॉरी पोर्ट नंबर कौन से, तो ये सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा। ठीक है गाइस, जब तक टाइम ले रहा है तब तक कुछ और कर सकते हैं। तो रीजन जो होता है, मैं कुछ जनरल चीज़ें होता हूँ तो हो रहा है प्रोसेस। तो देखिए AWS में जो होता है, AWS वर्क करता है रीजन और जो अवेलेबिलिटी जोन होता है। तो रीजन क्या होता है, रीजन मतलब जो AWS ने क्या किया है, सभी जितने भी उनके डेटा सर्वर्स डेटा सेंटर्स हो गए सब कुछ जो है रीजन वाइज डिवाइड किया है। जैसे ये हम लोग रहते हैं एशिया रीजन में, तो एशिया रीजन के लिए उन लोगों ने सेपरेट से जो है एक रीजन बनाया है, जिसके कारण हमको जब ये डेटा एब्सोल्व करना, कुछ चीज़ें होती हैं बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डेटा पुल करना हो गया, स्पीड हो गया, ट्रांसफर स्पीड, अपलोडिंग डाउनलोडिंग, एवरीथिंग जो है मैटर करता है आपके रीजन पे। अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो और आपका सर्वर होगा कहीं दूसरे कंट्री में, या फिर या मान लीजिए अमेरिका या फिर कहीं पर दूसरे कंट्री में है, तो ऑब्वियसली उसका अफेक्ट पड़ेगा कि डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड हो, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी। तो मोस्टली आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो नियरेस्ट रीजन जो है वही सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है एशिया पैसिफिक रीजन सिलेक्ट किया है, उसके अंदर मैंने क्या सिलेक्ट किया है, मुंबई। तो मुंबई एशिया में और इंडिया में, इंडिया में स्पेशली AWS की दो रीजन है, तो अभी सॉरी दो अवेलेबिलिटी जोन जो है रिसेंटली उन लोगों ने ऐड किया है, हैदराबाद रीजन भी जो है वो ऐड किया उन लोगों ने, यहाँ पे देख सकते हैं। बट मुझे नियर वाला लगता है मुंबई, तो इसलिए मैंने मुंबई सेलेक्ट किया। ओके देखते हैं हुआ क्या। आपको अगर बहुत सारे कमांड यहाँ पर रन किया आपको लगता है कि आप बहुत दिए होंगे, तो आप सिंपली क्लियर स्क्रीन भी कर सकते हो, क्लियर कमांड टाइप करेंगे तो स्क्रीन आपकी जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, पूरे पैकेज अपडेट किया, तो अब हमको इंस्टॉल करना है HTTPS HTTP, तो उसके लिए कमांड है sudo yum install -y HTTP दी, हिट एंटर। ठीक, हो गया, ओ आई इंस्टॉल इन्फो HTTP दी, यस वर्जन सब चेक कर सकते हैं, हो चुका है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा लास्ट वीडियो में देख सकते होंगे, तो अपना जो वेब सर्वर का जो डिफॉल्ट फोल्डर जो होता है वो कहाँ पे होता है, /www.html। ओके, उस पाथ में जाने के लिए अभी ये पाथ है, तो पूरा का ये नहीं, ये पाथ नहीं है, /www.html ये है डिफॉल्ट पाथ। तो उसके अंदर एंटर करने के लिए किसी भी फोल्डर या फिर फाइल में एंटर करने के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, लिनक्स में CD, CD जो होता है वो कमांड यूज़ करते हैं फॉर द एंट्री। और इसको अगर आपको बैक भी करना है तो CD डॉट डॉट करेंगे पुश बैक, डिफरेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो हम लोग अभी एंटर हो चुके हैं बैक www/html फोल्डर में। तो अभी हमको यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है कोई फाइल कोड कुछ है नहीं है, तो ले स्कैन करते हैं। ठीक है, अभी आपको अपना डेटा जो है इसमें, लास्ट इसमें हमने क्या किया था, अपना ग्रुप चैनल का नाम डाला था, तो इस बार क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी देख सकते हैं ऐसे कुछ नहीं है। नेक्स्ट, इस बार हम स्मॉल लेटर्स को लिखते हैं, Linux OS Duro, इसको कौन से इसमें देना, फाइल का नाम क्या देना है हमको, index.php
या मैथ, और आपको चेंज करना चाहे आप कुछ ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। स्क्वेयर्स, हाउ आर यू? गाइस वाह, सीपी इतना टाइप करके हिट एंटर। ठीक हो गया। अब आपको चेक करना है क्या क्या टाइप हुआ है, उसके लिए चेक करने के लिए कैट कमांड यूज़ करते हैं। इंडेक्स कौन सा फाइल फाइल में किया था, इंडेक्स डॉट एस टी एम एम एस से किया था। देख गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है हमको, सर्वर इंस्टॉल किया, सर्वर में डेटा कॉपी किया, अभी करना है हमको सर्वर लॉन्च। सर्वर लॉन्च करने के लिए तो टाइप करेंगे सुडो सिस्टम सिटीएल स्टार्ट एस एच टी टी पी डी ठीक है। और चेक करने के लिए क्या टाइप करेंगे हम लोग, सेम स्लिप यहाँ पे स्टेटस इस एक्टिव रनिंग। ओके, अपना सक्सेसफुली लॉन्च हो गया और एक्टिव हो गया। चलो सो एक बार मैंने जो लास्ट टाइम हमने गलती मतलब जानबूझ के गलती की थी, जो हमने एच टी टी पी पोर्ट ऐड नहीं किया था, तो इस बार मैंने एच टी टी पी पोर्ट जो है मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करके किया है। तो हम लोग अभी डायरेक्ट पब्लिक आई पी एड्रेस भी ले लेंगे। या फिर आपको अगर लगता है कि आपको सिक्योरिटी ग्रुप दूसरा कुछ सिलेक्ट करना है, आपने जो डिफॉल्ट वाला किया था, तो आप सिंपली यहाँ से सिक्योरिटी में जाके चैन सिक्योरिटी ग्रुप्स, अब अपने डिफॉल्ट में डाल दिया, तो फिर भी अगर आपको लगता है तो अपने वेब सर्वर इसलिए वो कंफर्म कीजिए। क्लियर क्लियर सेट डन। सर्वर टू का पब्लिक आईपी एड्रेस देना है, नया टैब ओपन करके बस होना चाहिए। देखते हैं होना तो चाहिए, नहीं होता है तो देखेंगे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं हो रहा तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो गया प्रॉब्लम। सिक्योरिटी ग्रुप अभी जो हमने सिक्योरिटी ग्रुप ऐड किया था नेमो करते हैं, जो डिफॉल्ट था अभी डिफॉल्ट में मैंने दोनों सेलेक्ट किया है, एच डी टी सर्वर सेलेक्ट किया है, दोनों सेलेक्ट किए हैं, तो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी टेस्ट करते हैं, वैसे ट्रायल एंड एरर करके आप सीखोगे कहाँ पे तैयार करने से क्या आता है। आराम करेंगे, लेट
तो आप लोग डी एन एस से भी कर सकते हैं, इससे भी ट्राई करते हैं। ओके फाइनली हो गया। तो दो मेथड होते हैं, एक तो आप कर सकते हैं पब्लिक आई पी एड्रेस से भी, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आप पब्लिक डी एन एस लेके भी कर सकते हैं गाइस। फिर आई पी से भी चेक करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में, तो देख सकते हैं। और यहाँ पे डी एन एस सिंक किया बाद में इस, ठीक है। अभी ये तो होगा पार्ट, तो अभी उनको ए एन बी इलास्टिक लोड बैलेंसर ऐड करना है। इलास्टिक लोड बैलेंसर ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे सर्च करने में बहुत सारा टाइम देगा, तो यहाँ पे लोड बैलेंसर के यहाँ पे सर्च करना है। अगर आपको आपको नहीं मिलेगा तो आप पैराग्राफ एस एम पी यहाँ से टर्च कर सकते हो। 30 DBS बहुत आपकी मतलब कन्वीनियंट है, आपके हिसाब से मतलब इसका सेटअप किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको क्रिएट करना है। रेट लोड बैलेंसर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बहुत मतलब टोटल जो टाइप है फोर फोर टाइप वाले लोड बैलेंसर से यहाँ पे। तो इसमें हमको फ्री टायर वाले यूज़ करना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे क्लासिक लोड बैलेंसर कितनी जाएंगे, देखिए फ्री और इजी वे है, ठीक है। बाकी लोड बैलेंस भी सीखेंगे बट अगले वीडियोस में। लोड बैलेंसर का नाम देंगे कुछ भी देख सकते हैं, बस इससे ऐसे ही दिख गया कुछ वैसे। यहाँ पे आपको देखना है आप नाम दे दिया, फिर बाद में आपको जो मैपिंग जो है उसके लिए कौन सा ऐड करना है, जैसे टेपी ये ऐसे बाई डिफॉल्ट रखना है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है। पिंग प्रोटोकॉल जो है ये देखिए, यहाँ पे पिंग प्रोटोकॉल में क्या है 80 पोर्ट पे पिंग करेगा, और कौन से पाथ पे देगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है। ओके तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। तो यहाँ पे आ गया मेन पार्ट, तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है इंस्टेंस, जो हमारे इंस्टेंसेस जो है क्या क्या चेंजेस किया है, सिर्फ नाम किया, फिर बाद में आएंगे नीचे यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे भी कुछ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अभी के लिए हम एच टी एम एल में वर्क कर रहे थे, तो ठीक है। तो पाथ अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन, वो अच्छी एप्लीकेशन जावा इंस्टॉल कर रहे थे, जावा का अलग से होगा, यहाँ पे अभी हम लोग एच टी पी पे कर रहे थे, तो इसलिए ओके ठीक है ये वाला सही है। यहाँ पे ऐड इंस्टेंसेस में क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी रनिंग है यहाँ पे दिख रहा है सेम यहाँ पे सिलेक्ट करना है कन्फर्म। ओके ठीक है, दो इंस्टेंस ऐड हो गए। तो बाकी चीज़ें एल छः का ट्रिब्यूट्स बाकी सब ठीक है, सिंपली क्रिएट डोर बैलेंसर। एपिसोड वन, तो एपिसोड वन वन में हम लोग इंक्वायर इफ द इंक्वायर पेन था, did it not mean the boat? Why did I need the day header?
क्रिएट लॉ है ये वर्ड बाय आंसर ऐसे करेंगे हेल्प को हाँ चुका है नॉट बाय आंसर एविडेंस ठीक है। तो अब यहाँ क्या कर रहे थे मैं मतलब दो सेपरेट सर्वर्स थे इसके ऊपर एक स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं था कौन सा स्नेक रन वो कौन सा नहीं तो ये अभी रेस्ट ग्लोबेंस आप देखिए जादू तो यहाँ पे होता है उसका डीएनएस इन्फो इसे अपने करेंगे कॉपी ठीक है कुछ एरर आ जाए तो वो एरर हम ट्रबल सेट करेंगे एंड एंटर देखते हैं होता है कि सर्वर अपना एक्सेस अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता है वो भी देखेंगे ठीक अभी नहीं हो रहा है ऐसे वो ट्राई कर पाओ फिर भी नहीं होता तो हम लोग डिबग करेंगे क्या एरर है फाइंड आउट करेंगे नेवर कुछ तो होगा तो चेक करेंगे इसमें जाएंगे लेकिन मैं जानबूझ के एरर निकाल रहा हूँ जैसे कि आपको समझ आएंगे तो आपको क्या करना है जाना है क्लिक करना है एक्सचेंज पे जाना है सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है मोस्टली प्रॉब्लम होता है यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट वाला है तो यहाँ पे हमने बनाया था खुद का वेब सर्वर इसको सिलेक्ट करेंगे डिफॉल्ट को हटा देंगे इसको सिलेक्ट करके सेव चेंजेस कर देंगे ठीक है हो गया आई थी अभी चेक करते हैं सो गाइस हियर वी गो क्या क्या हम लोगों ने लोड बैलेंसर का जो सिक्योरिटी ग्रुप था डिफॉल्ट वाला वो हमने चेंज करके जो हमने कस्टम बनाया था उस पर किया जिससे कि हम लोगों ने उसके लिए क्या करना है लोड बैलेंसर क्लिक करना है सिक्योरिटी ग्रुप में जाना है और यहाँ से करना है अगर डिफॉल्ट में ही अगर आप लोगों ने SSH HTTP एक्टिवेट किया तो आपको कस्टम वाला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं है तो आप कर सकते हो ठीक है। अभी ये आ गया अपना सर्वर टू डिस्प्ले हो रहा है तो जैसे मैं इसका रिफ्रेश करूँगा तो ये सर्वर वन को स्विच होना चाहिए देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये सर्वर वन का जो डेटा हमारा था ये AWS Linux अपने ग्रुप का नाम ठीक है फिर से मैं रिफ्रेश करूँगा तो सर्वर टू पे चला जाएगा आ गया फिर से रिफ्रेश करो आ गया तो इस तरह से गाइस हम लोग जो है एक बेसिक बेसिक वाला है वो रियल एप्लीकेशन वर्ल्ड में जा जाओगे तो डेवलपर कोड जनरेट करके देंगे एज अ डेवऑप्स इंजीनियर आपको क्या करना है आपको कोड जो है जो HTML फोल्डर जो हमने बनाया था उसके अंदर आपको सिक्योरली पोस्ट पेस्ट करके जो आपको पूरा रन करना होता है तो रियल वर्ल्ड में उसका एग्जाम्पल लेंगे तो आपको एक कंसेप्ट पता चल गया होगा कि लोड बैलेंसर कैसा वर्क होता है होप यू गाइस लाइक इट और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं लिनक्स और फिर जो अपना करंट चल रहा है AWS के अगले फीचर्स जो होता है जैसे कि S3 हो गया बाद में VPC कैसे क्रिएट करना है VPC सभी चीज़ें वन बाय वन देखेंगे तो मैं अभी वर्किंग प्रोफेशनल रहने की वजह से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता पूरे में मैं टाइम निकाल निकाल के आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूँगा जिससे कि आपको AWS DevOps और जितने जितने भी नॉलेज मेरे पास है तो आपको शेयर कर पाऊँ जिससे आपका डर और आपको ब्रेकफास्ट सब कुछ मिल सके ठीक वैसे मेरे पास जितने ही नोट्स हैं वो भी शेयर करता रहूँगा तो जुड़े रहिए ठीक है। आज के लिए इतना ही लाइक करें शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिए थैंक यू गाइस बाय बाय।